हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जिस जिसने लास्ट व्लॉग देखा होगा उसको पता है मैं रात को मामू के पास गया था, क्योंकि आज हमने जाना है, मतलब जा ही रहा हूँ मैं लुधियाना। अब लुधियाना क्या काम है? लुधियाना हमने जाना है, जैसे हम अपने कपड़े लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो ऐसे ही जगन्नाथ जी के लिए कपड़े लेने जाना है, जो कि हम हर साल लेते हैं। और जगन्नाथ जी के मतलब थ्रेड्स आते हैं, वो जो धागे होते हैं उसके, वो आते हैं मेरे ख्याल से मोंटी कार्लो के। तो हम हर साल देने के लिए जाते हैं ऑर्डर जगन्नाथ जी की ड्रेसेस का, और उसके बाद उनकी ड्रेसेस बन के आती हैं, वुलन ड्रेसेस, और फिर वो अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, फिर वो पहनते हैं। और आज दशहरा भी है, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। बट मेरा व्लॉग तो एक दो दिन लेट ही आएगा, क्योंकि मेरा व्लॉग आज अगर एडिट करूँगा तो एक दो दिन बाद ही आएगा व्लॉग, क्योंकि दो ऑलरेडी आ ही रहे हैं व्लॉग। तो इसलिए तो बस अभी मैं मामू के पास जा रहा हूँ, उसके बाद मामू को उठाता हूँ, पहले जगन्नाथ टेम्पल जाना है, उसके बाद लुधियाना के लिए निकलते हैं, ठीक है ना? तो चलो बने रहना वीडियो में। मैं टिक्का वगैरह करवा के आ गया हूँ, आज पूजा होती है दशहरे वाले दिन घर पे, और रात को ही सामान वगैरह भी ले लिया था मैंने जब मामू के पास आया था मैं। तो चलो मामी को पिक करते हैं, मामू को पिक करते हैं। ऐसे मामू आ रहे हैं, धोती वगैरह पहनी है मामू ने। तो अभी हमने जाना है जगन्नाथ टेम्पल, उसके बाद मम्मी का फोन आ गया, मम्मी को भी यार पिक कर रहे हैं, मम्मी कह रहे मेरे को भी लेके चलो लुधियाना। मम्मी ने भी जाना लुधियाना, क्योंकि आज ही इस्कॉन की ओपनिंग भी है लुधियाना वाले इस्कॉन की। तो होप सो अगर हम वहाँ पे जाएँ तो, मेरे को रास्ता नहीं पता वहाँ पे लुधियाना के जो इस्कॉन है उसका रास्ता नहीं पता, तो जैसे भी होगा मैं देखते हैं। बट फिलहाल तो अभी पहले जाना है जगन्नाथ टेम्पल, और मैं आपको जगन्नाथ जी के दर्शन भी करवाता हूँ, आज हो जाएंगे, अभी जस्ट 11 आज दशहरा। तो ये ब्लॉग भाई एक दो दिन लेट आएगा, ठीक है, देख लेना। हरे कृष्णा मामू, हरे कृष्णा, किद्दा मामू, हरे कृष्णा। लेट हो गए, लेट हो गए। मैं पाजी पूरे आज 8 बजे रेडी हो गए सी, हैं मैं कह यार जे जाना दूर जाना फिर टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं 9:30 पूरे फोन कर रहा था मम्मी का, आज एक्चुअली नहा रहे तेल डलवाने, क्योंकि तेल इसलिए खाली था। ये लो यार, मम्मी का फोन आ गया कि वो रेडी हो गए, हमने कहा पहले उनको उठा लेते हैं, पिक करते हैं। देखे हमें क्या जाना, उन्हें कट ला, बारिश नी बड़ी उसके आए। तो चलो भाई पहुंच गया टेम्पल में, रथ खड़ा है जगन्नाथ जी का, और यह है टेम्पल जगन्नाथ जी। जय भोले बाबा, पहले भोले बाबा के दर्शन करो। लक्ष्मी वसंति सर्वदा। यहाँ पे नारियल का प्रसाद मिलता है, ड्रेसेस लेके यहाँ पे चलते हैं। ये जगन्नाथ जी की ड्रेसेस है अभी एक पहला, अभी दूसरी आएगी, ऐसी बोल दिया मैंने तो, हल्की है, बहुत भारी है। जगन्नाथ जी जय जगन्नाथ। मुझे इस्कॉन भी जाना है एक मिनट ले। बस बार बारी बार बारी, बस इस्कॉन जाके फटाफट आ जा रहा है यार। हम ना इस्कॉन के बाहर ही हैं, देखो रहा है इस्कॉन जा नहीं रहे दोस्तों, बस एक मिनट आ जाएंगे ना। वैसे ना यार हम टाइम पे हैं, पूरे है ना 12 बजे तक आरती अटेंड कर रहे हैं। देख लो दर्शन हो गए ना, एक्चुअली लेट उठते बहुत ज्यादा हमने कहा, लेकिन नहीं आरती हो रही है तो अटेंड मर्द करते करते पूरे हो गया सीधा। चलो भाई अब कहीं नहीं रुकना, आप सीधा लुधियाना। रावण बना हुआ, रावण यहाँ पे, ये बीच वाला होगा रावण मेरे ख्याल से। भाई बस टाइम पे आ जाए भाई, रावण बाबा और रावण स्कूटर पे लगे जा रहे,
ਔਰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਚ ਬਿਠਾ ਲੋ ਯਾਰ ਆਹ ਉਠੋ ਇੱਥੇ ਲਾਣੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਕਿਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕੰਮ ਪਏ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਬਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬੁਲਾ ਦੇ ਆਟੋ ਹਟਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਗੱਡੀ ਬਤਾਓ ਅੰਕਲ ਵੀ ਫਸੇਂਗੇ ਅਭੀ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਹਮ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ इधर लगा दी भाई गाड़ी। एक बार पता क्या हुआ था, मैं ना मतलब ऐसे उस टाइम वेंटो थी मेरे पास, मैं वेंटो लेके आया था लुधियाना में, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो जगन्नाथ जी की ड्रेसेस के लिए मैंने ऐसे जैसे ये रोड है ना इधर लगा ली मैंने गाड़ी अपनी, यहाँ पे ड्रेसेस डाल रहे थे, एक ना बाइक पर शराब भी आया बिल्कुल, मुझे पता लग रहा था कि आंखें बंद हो रही हैं उसकी, ऐसे चला रहा है और तीनों वेंटो के बीच में मारी साइड से बूम और वहीं पर लेट गया, खुद ही इधर खड़ा होगा गाड़ी उठाई करा देख के नहीं चल सकता सीगा। मैं कहा भाई मैं कुछ नहीं बोला उसे, मैं कहा छोड़ यार उसको, खुद का तो होश था नहीं। पहली बार तो मैंने मना कर दिया था, कहते भी यार मेरे बस का नहीं है ना, मुझे समझ आ रहा कुछ, कहते यार पता नहीं अगले शंकर जी ने क्या प्रेरणा दी इनके बस में, कहते हैं तो मेरे इष्ट देव के इष्ट देव का कहती सेवा है, कहते ये कैसे छोड़ सकता हूँ। कृपा होगी खुद ब खुद ही काम करवा लेते हैं, हर साल खुद ही फोन आ जाता है कि क्या बात जगन्नाथ जी की ड्रेस नहीं, और प्रभु जी को पता भी नहीं था जगन्नाथ जी कौन है, पता नहीं जगन्नाथ ऐसे ऐसे मैं कभी मंदिर नहीं गया था, हाँ। टेंपल कभी नहीं गया था, जबकि लुधियाने में हमारे घर के पास है, हाँ तो क्या दूर बना है, नहर के पास है वो तो बहुत बड़ा बना है घर के पास, उसके बाद फिर मैं गया था। अच्छा उसके बाद गया था, स्पेशल गया था, फिर वहां तो दो बार पहली बार जब ड्रेस पहनी, फिर खुद ड्रेस देने भी आए जगन्नाथ जी को, दर्शन भी करने आए। तो अभी हम फैक्ट्री से होके अब इस्कॉन जा रहे हैं, मैंने अपने फ्रेंड से लोकेशन मंगाई है क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, आज ही ओपनिंग थी ना तो हम तो लेट हो गए हैं, लेकिन चलो कुछ प्रसाद मिल जाएगा और दर्शन वहाँ भी करवा देता हूँ मैं आपको। अब निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, थोड़ी दूर है, आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। पहुँच गए भाई, पहुँच गए, बहुत सुंदर होना होगा टेम्पल। ओ भाई साहब जबरदस्त जबरदस्त बना रखे हैं, अभी अभी मैं दर्शन नहीं करवा सकता क्योंकि सवा चार बजे अल्ट्रा ओपन होगा, दर्शन भी करवाता हूँ, भगवान ने बोला था यार कि पहले खा ले बाद में आज दर्शन करने की, सवा चार बजे होगी, चार बजे आपा ने प्रसाद ले लिया बहुत जबरदस्त, सच्ची यार भूख बहुत ज्यादा लग रखी थी। ये अपना प्रसाद है, मिक्स वेज है, कोफ्ते हैं, शाही पनीर है, दाल है, चावल है और सलाद है, पापड़ है, रोटी है, पूरा फिनिश कर दिया पूरा। दूर हो बंदा और आएगा दर्शन तो आएगा, बहुत ही बढ़िया बना रखे है भाई जबरदस्त, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना टूरिस्ट प्लेस है। यानी हम रात को ऊपर चल के अभी तो पेट पूजा किया हमने, तगड़ा प्रसाद था, अंदर सारी स्वीट की आइटमें थी और क्या स्नैक्स भी थे, बस हम थोड़ा लेट हो गए वरना सब कुछ मिलता। प्रभुपाद जी की कृपा है, जय हो प्रभुपाद। ये देखो ये इस्कॉन सारा नीचे प्रसादम के लिए बहुत जबरदस्त बनाया, आज ही ओपनिंग है, और ये भाई गौशाला क्या जबरदस्त, और सारी देसी गायें हैं, सारी ए टू जेड सभी गायें देसी साहिवाल नस्ल की हमारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बस अभी दर्शन करते हैं, पाँच मिनट में अल्टर ओपन होने वाला है, तब जाते हैं दर्शन करने के लिए। मैंने भी नहीं देखा, मैं भी आपके साथ ही देखूंगा। हाँ जबरदस्त है ना यार, जबरदस्त एक्चुअली, मतलब बहुत बढ़िया बना रहे हैं चारों तरफ ना, सारे जैसे अवतार लगा रखे हैं, जैसे यहाँ पे देखो राम अवतार और वामन अवतार और ये कौन सा है, ये मत्स्य अवतार है और वो है हल्दर अवतार, ये वाला हल्दर है और ये नरसिंह अवतार और ये वरह है, कल्कि है और परशुराम, और सामने ये अल्टर है। अभी ओपन नहीं हुआ, हम बैठे हैं वेट कर रहे हैं, ओपन होते ही मैं सबसे पहले जाऊँगा आगे। अल्टर ओपन होने वाला है, अल्टर ओपन हुआ, खड़े हो चलो हम चलते हैं, देखो हम कितना लेट आए थे लेकिन प्रसाद मिल गया। ये इस्कॉन है और हमने यहाँ पे गाड़ी लगा रखी है, वैसे अंदर नहीं आने दे रहे थे गाड़ी, बस आ गई राधा माधव की कृपा से अंदर गाड़ी। तो चलो
अब निकलते हैं चंडीगढ़ तक, फाटक लगे हुए हैं, वहां से ट्रेन जाएगी, एक तो जा चुकी है एक और जाएगी। चलो भाई जाओ, भाई जा शाबाश, इन्हों ज्यादा जल्दी है, जाओ ले हुण साइड ते हो रहे ना। पूरी रावण की प्लानिंग थी रावण को देखने की, लेकिन बस एक स्कूटर पे देख लिया, एक बस लगे लगे पुतले देख लिए, इस जाम ने रहा दिया। ये भी निकल जाते हम, ये इसकी इनकी वजह से हो गया, ये जो दूसरी साइड गाड़ियां लगा लेते हैं। और लुधियाना से हम शॉर्टकट के रास्ते में निकले थे, यहाँ पे बताओ भाई इतना सही है ये जाम, ट्रेनें भी निकल गई हैं दोनों की दोनों, लेकिन इन्होंने गाड़ियां उधर, बताओ अभी भी जा रहे हैं, ये देखना सही है भाई। चलो रावण तो निकल ही गया भाई, वरी पहुंचते हैं आपको सीधा। तो मैं घर पे पहुंच गया हूँ, मेरे को ना मेरा गला बहुत खराब लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था इन्फेक्शन सी हो गई है। मैंने उधर प्रसाद के ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लिया ठंडा, और पानी से मेरे को हमेशा ऐसा होता है खाने के ऊपर से पी लेता हूँ ना तो मुझे पता लगता है कोई दिक्कत हो रही है, तो बस इसीलिए मम्मी को बोला मैंने, कुछ मम्मी ने पानी में वो हल्दी ऑयल वगैरह कुछ मिला के गरारे किया मैंने, थोड़ा ठीक लग रहा है। तो चलो बैठता हूँ एडिटिंग करने के लिए, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहना, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है उससे बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में।